या एक दिया ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालिए और पीली सरसों डालिए और माचिस मार दीजिए। उस जलते हुए कपूर को पूरे आपके व्यवसाय स्थल पे, जो आपका शोरूम है, जो भी आपका व्यवसाय स्थल है, वहां पर आप पूरा उसका आरती दिखाएं। फ्री का उपाय है, 100 रुपये खर्च होंगे अगर आप 3 महीने तक पीली सरसों और कपूर जलाते हैं, तो रिजल्ट्स आपको लाखों के मिलेंगे। नमः शिवाय। मैं विकास तिवारी, वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। काफी लोगों के क्वेश्चंस वापस से आए हैं कि सर, हमारे शॉप में किसी ने नेगेटिव एनर्जी कर दी है, या किसी ने तंत्र विद्या का प्रयोग किया है, या ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि सर, हम इसे रिमूव कैसे करें। ये सभी लोगों के लिए है और ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। ये रेमेडी आपके यहाँ पे अगर किसी ने तंत्र विद्या की है तो भी कर सकते हैं, अगर किसी ने नहीं की है तो भी कर सकते हैं। इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेगा, नेगेटिव इफेक्ट तो आना ही नहीं है। मान लीजिए व्यवसाय नहीं चल रहा है, इसके पहले मैंने आपको जो बताया था वो अभी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, आपने दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर को दिखा लिया, न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा लिया, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जो रिजल्ट्स मुझे चाहिए वो रिजल्ट्स मुझे मिले नहीं हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट किया है, और वो पैसों का जो इन्वेस्टमेंट मैंने किया है वो मुझे नुकसान में कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है, या जो चीज़ मैं चाहता हूँ, जैसा क्लाइंट बेस मैं चाहता हूँ, जैसे कस्टमर्स मैं चाहता हूँ, वैसे कस्टमर्स मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ये एक छोटा सा उपाय करिए। बताना चाहूँगा कि क्या क्या होगा इससे। अगर आप ये उपाय करते हैं तो सबसे पहले आपका जो भी फैक्ट्री है, या जो भी होटल है, या जो रेस्टोरेंट है, या फिर बिजनेस है, या आपका शोरूम है, वहाँ की जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो अननोइंगली वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी। यह उपाय भैरव विज्ञान से लिया हुआ है, रावण संहिता में वर्णन किया गया है इस उपाय का, और भृगु संहिता में भी इसका बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। काल भैरवी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में भी इसका प्रयोग बताया गया है। बहुत ही सरल उपाय है, हो सकता है कि ये उपाय मैं आपको बताऊं तो आपको पता लगे कि अरे ये तो मुझे पता है, परंतु इस उपाय को आपने निरंतर करना है, इसे छोड़ना नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो उपाय क्या है? आप कह रहे होंगे कि सर, आपने तो सारी चीज़ें बता दी, उपाय क्या है? उपाय बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। करना क्या है? आपने पीली सरसों लेनी है, राइट? पीली सरसों लीजिए और एक कटोरी ले लीजिए या एक दिया ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा कपूर डालिए और पीली सरसों डालिए और माचिस मार दीजिए। उस जलते हुए कपूर को पूरे आपके व्यवसाय स्थल पे, जो आपका शोरूम है, जो भी आपका व्यवसाय स्थल है, वहाँ पर आप पूरा उसका आरती दिखाइए। उसके बाद यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, जब आपकी मर्जी, या जब आपको फ्री टाइम मिले तब। और उसके बाद करना क्या है? उसी पीली सरसों को रोज रात में आपने अपने व्यवसाय स्थल पे उसका छिड़काव करना है। पीली सरसों का आपने छिड़काव करना है रोज निरंतर। अगर आप यह प्रयोग 90 दिन तक करते हैं, आपके यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो दुम दबा के भाग जाएगी। क्यों भागेगी? क्योंकि पीली सरसों जो होती है वो नेगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने का सबसे बहुत ज़्यादा उसके अंदर पावर होता है, और पीली सरसों को रिप्रेजेंट करते हैं गुरु, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह होती है राहु। तो राहु जहाँ होगा वहाँ अगर पीली सरसों आ गई तो वहाँ पे राहु जो है वो भाग जाता है। मतलब नेगेटिव जो तंत्र मंत्र और नेगेटिविटी का जो प्रभाव होता है वो राहु का ही होता है, तो राहु वहाँ से भाग जाएगा और आपके व्यवसाय स्थल की एनर्जी को पॉजिटिव करेगा। परंतु हाँ, एक चीज़ ये भी है, आपको इस प्रयोग को निरंतर करना है। आप रात में पीली सरसों का छिड़काव करिए, सुबेरे झाड़ू मार दीजिए, वो फेंका जाएगा। इस पे आप दिमाग मत लगाइएगा कि हम पीली सरसों को कहाँ करें क्या करें, आप नाली में बहा दीजिए, आप एक डस्टबिन में लीजिए, उसको डस्टबिन में डालिए, उसको बाहर फेंक दीजिए। ज़रूरी नहीं है, कई लोग बोलेंगे सर पैर लगेगा, तो इट्स ओके। बस आपने ये उपाय करना है, और ये उपाय अगर आप निरंतर 3 महीने तक करते हैं, आपको फिर किसी भी बाबा के पास, ओझा के पास, या तो इवन मेरे पास भी आपको आने की आवश्यकता नहीं है। यह उपाय बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है।
फ्री का उपाय है, 100 रुपये खर्च होंगे अगर आप 3 महीने तक पीली सरसों और कपूर जलाते हैं तो, रिजल्ट्स आपको लाखों के मिलेंगे। एक बार करके देखना। परंतु हाँ, इसके साथ एक कंडीशन है कि एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। कई लोग कहेंगे कि सर हफ्ते में हमारी एक दिन शॉप बंद रहती है, इट्स ओके, बट आज आपने किया 4 दिन नहीं किए, फिर आपने किया फिर 4 दिन नहीं किए, ऐसा गैप नहीं करना। एक दो दिन का गैप होगा तो चलेगा, परंतु एक हफ्ते का गैप, 5 दिन का गैप ना करें, कोशिश करें कि ना हो। अगरबत्ती तो आप जलाते ही होंगे घर अपने शॉप में, धूप बत्ती तो जलाते ही होंगे, दिया तो जलाते ही होंगे, तो आप ये उपाय भी कर सकते हैं। इसमें लगना कुछ नहीं है, आपको बस छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, पीली सरसों लेनी है, जला देना है, और पूरे आपके व्यवसाय स्थल पे रात को जब भी आप दुकान बढ़ा रहे हैं तो आप पीली सरसों का छिड़काव करिए, सुबह झाड़ू लगवा दीजिए, 3 महीने तक देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल उपाय है। और मैं जितने भी उपाय लोगों को बताता हूँ वो सारे के सारे मेरे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, क्लाइंट्स के साथ मैंने उनको प्रैक्टिकल करवाया हुआ है, इसीलिए मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं कि ये उपाय काम करता है। क्यों? क्योंकि जो जो प्रैक्टिकल होता है ना, जब मैं किसी को ये उपाय दिया हूं, मैंने 20 लोगों को ये उपाय दिया और उन 20 में से अगर 18 लोगों को भी फायदा हुआ, मतलब ये रेमेडी काम की है और ये काम करती है। तो वही चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप एक बार करके देखिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।